नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज से शुरू हो रहे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। दर्शकों, आप सभी के लिए इस विशेष कार्यक्रम लाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की बीमारी का आपको आयुर्वेदिक इलाज दिया जा सके और 100% आपको आपकी बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सके। तो आपको आपकी बीमारी के लिए आयुर्वेदिक इलाज बताने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदा आचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज। तो आइए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत हम करना चाहेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, हम शुरुआत इस कार्यक्रम की करेंगे। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगी शुरुआत करने से पहले कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो, कैसी भी बीमारी हो, आप इस शो के जरिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। और इस शो के दौरान लगातार आप देख सकते हैं फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। इन नंबर पर आप कॉल कीजिए, संपर्क साधिए और अपनी किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं और उसी का आयुर्वेदिक इलाज आज हम जानेंगे स्वामी जी से। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं, हमारा विषय है संधिवात। जी हाँ, संधिवात, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थराइटिस भी कहते हैं। और आपको बता दूं कि अक्सर ये जो बीमारी है बुजुर्गों को ज्यादा होती है। आमतौर पर शरीर में जोड़ों से जुड़ी हुई ये बीमारी है। हमारे रीढ़ की हड्डी की अगर हम बात करें, घुटने की बात करें, पैरों की बात करें, तो इस तरह की बीमारी ये होती है। लेकिन आज के तौर की या आज के आम तौर तरीकों की हम बात करें तो ये बीमारी युवाओं को भी आजकल होने लगी है। क्या कारण है, क्यों होता है, क्या है संधिवात, आज हम ये स्वामी जी से जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे है, संधिवात कैसे होता है ये? देखिये, संधिधनवात अस्तु संधिवात, संधि का अर्थ होता है जोड़ों से और वात वाणी वायु होता है जी, जिसे हम गैस क्राइस कह सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में कई प्रकार का संधिवात है और एलोपैथ में तीन प्रकार का होता है जी। जैसे साधारण लोग कहते हैं कि भाई आम्रवात, गठियावात और संधिवात, ये तीन तरीके के वात होते हैं जिसकी शुरुआत हमारे डाइजेशन से होती है, खान पान से होती है। जब हम सही समय से खान पान करते हैं और हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये सारी बीमारियां शुरू होती है जी। स्वामी जी, कारण क्या है, कैसे संधिवात जैसी बीमारी हो जाती है किसी को भी? आजकल युवाओं को भी इस तरह की बीमारी हो रही है। एक्चुअल क्या होता है कि भारतीय संस्कृति में हम लोग प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं जी। दूसरी व्यवस्था है कि हम जो चीजों को खा रहे हैं उसमें टोटल पेस्टिसाइड है, केमिकल इफेक्टेड चीज है, नेचुरल चीज तो है ही नहीं, क्योंकि खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता है जी। अब हम जैसे काफी चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चों क्या करेंगे भाई, चीज खानी है, पिज्जा खाना है, लेकिन ये हमारे लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है जी। ये हमारे लिए पॉइजन है और हमारी बॉडी जो एक्सेप्ट कर, हम वो चीज खा नहीं रहे हैं। हमें समय से खाना, समय से सोना और क्या खाना क्या नहीं खाना ये बहुत जरूरी है। जैसे सुबेरे हमने भोजन किया, दोपहर को भोजन किया, शाम को भोजन किया, इसलिए हम आहार उतना ही लें जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। हम निरंतर आहार लेते जा रहे हैं, डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, पाचन रस कम बन रहा है, तो उसमें सड़न पैदा होती है जी। तो प्रकृति में तीन प्रकार की अग्नि है, जठर अग्नि, मंदाग्नि, दावाग्नि, और चतुर्थ प्रकार की अग्नि जो है उसे हम कहते हैं बड़वाग्नि। जब हमारी जठर अग्नि मंदाग्नि बढ़ जाती है तो मल सूख के हाथों में चिपकता है और उसके कारण से हमें ये सारी बीमारियां लग जाती हैं। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर इसी से संबंधित या फिर इससे अन्य किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी अगर आपको हो, फिर वो चाहे आज हो या सालों से आपसे जुड़ी हुई हो, 100% आपको इसका इलाज मिलेगा, 100% लाभ फायदा आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, करना आपको क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करना है, संपर्क साधना है, उसके बाद अपनी समस्या को, किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी आपको है उसे यहाँ पर रखना है, उसके बाद स्वामी जी आपको उसका इलाज आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे और उस पर आपको अमल करना है। हम आपको लगातार इस शो के माध्यम से कह रहे हैं, आप कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और स्वामी जी से अपनी किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या को रखिए, उसका इलाज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। स्वामी जी, हमारे पास ये जो किट रखी है, हमने संधिवात किट, हमारे पास ये किट है और ये किट
इसको लेने से, जैसे कि आपने बताया है, अगर घुटनों का दर्द हमें है, हमें जोड़ों में, शरीर में किसी भी प्रकार का जोड़ और उसमें अगर हमें दर्द है, और उस दर्द के लिए अगर हम ये संधिवात खाएंगे और इसका पूरा कोर्स करेंगे, तो आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि 100% उन्हें फायदा होगा, 100% उन्हें अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है स्वामी जी, दर्शक क्यों इस बात पर विश्वास करें कि 100% इसको लेने से उनको फायदा मिलेगा, फिर वो चाहे 5 साल पुरानी हो, फिर वो चाहे 10 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी क्यों ना हो। जी ठीक है, देखिए विश्वास की जो माँ है ना, उसका नाम अनीता जी आस है। जी, जब तक किसी की आस पूरी नहीं होती है ना, कोई किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, मैं मेरे दर्शकों से इस चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से ये कहूंगा कि आप जिस विश्वास के साथ मेरी मेडिसिन को लोगे, 110% आपकी आस पूरी होगी। जी, जब आपकी आस पूरी हो तब आप इस प्रोडक्ट पर विश्वास करो। जी, आप मेरी दवा ले रहे हो। जी, दवा लेने से पहले मेडिकली आप आर्थराइटिस का रिपोर्ट करिए, 12 महीने का कोर्स करिए। अगर रिपोर्ट में रिजल्ट नहीं है तो 100% पैसे आपके घर। जी, लेकिन साथ में मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। जी, अब रही बात किट के अंदर की चीज, तो दो प्रकार की मेडिसिन होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल होती जी। है। तो कोई भी वर्ल्ड का डॉक्टर आर्थराइटिस में पेन किलर आयलमेंट ट्यूब सी देता है एक्सटर्नल के लिए, तो इसमें एक तेल है, ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल। जी, ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल से घुटने में मालिश करना है, नमक गर्म करके आजवान के साथ सिकाई करना है। इसके साथ में पाचक चूर्ण है, पाचक चूर्ण में हर्रा, बहरा, आंवला, ये चीजें हर आदमी सेवन करता है। ध्यान देना आप मेरी बात को, रोटी आपने अपनी मम्मी के हाथ की भी खाई है और बुआ के हाथ की भी खाई है, गेहूं वही है पर स्वाद अलग है, स्वाद अलग है। ऐसे ही आयुर्वला यशो वर्चा प्रजा पासुनी वसुनी चा ब्रह्म प्रज्ञा मनोदेही तुम देही वनस्पति, निर्भर करता है कि उसका शुद्धिकरण कितना अच्छा है और उसको बनाए किस तरीके से है। 110% में विश्व को चैलेंज कर रहा हूँ आज चैनल के माध्यम से, फार्मेसियों को नहीं, विश्व को चैलेंज करता हूँ। अगर WHO में दम है, वो कहता है कि इस औषधि में दम नहीं है, तीनों प्रकार के आर्थराइटिस के पेशेंट मेरे यहाँ भेजे, दवा मैं दूंगा, रिकॉर्ड हो रखे, अगर ठीक हो जाए तो बस यही कहना कल्याण वस्तु। बिल्कुल दर्शकों, बहुत बड़ी बात स्वामी जी आपने हम सभी दर्शकों के लिए कह दी है, और आप विश्वास कीजिए, विश्वास के बाद ही आप इस किट को लीजिए। और जैसे कि स्वामी जी ने बता दिया है, दवा लेने के पहले और दवा लेने के बाद आप हमें रिपोर्ट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको कितना फायदा पहुंच रहा है, क्या फायदा पहुंच रहा है, कोर्स पूरा कीजिए। अगर आपको फायदा नहीं भी पहुंचता है तो मनी बैक गारंटी है, इस बात का दावा भी कर रहे हैं। बिल्कुल दावा 110%, इसलिए बता दूं आपको जी कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे से कहते, बेटा वहां जा रहे, बोझ उठा लाना नहीं तो देख लियो। जी, माँ बेटा बोलता हाँ माँ ले आऊंगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है अपनी भुजाओं पे। ऐसे मुझसे जा रहे, मेरी शुद्ध की हुए प्रोजेक्ट और मेरी विद्वता पे ज्ञान है, मैं 1,00,000 बार बोल रहा हूँ 100% मनी बैक गारंटी, लेकिन प्रॉमिस है मुझे 1 रुपया रिटर्न ही नहीं करना है, क्योंकि मेरी दवा उनको रिजल्ट देने वाली है। चलिए स्वामी जी, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना और कहाँ से बोल रहे हैं आप। हेलो जी, नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं। मैं राजेश बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी ठीक है राजेश जी, सवाल अपना कीजिए, किस प्रकार की समस्या है आपको, बोलिए राजेश जी। हाँ इलाहाबाद से मैं बोल रहा हूँ स्वामी जी, ये जो है पेट में गैस बनता है बहुत, हर 10 मिनट के बाद जो है। हाँ मैं पुलिस में ही नौकरी करता हूँ। अच्छा जी। और हर 10 मिनट के बाद जो है वायु होता है। अच्छा राजेश जी, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो आपका समय से भोजन और शयन नहीं है, और ये जो चीज ये सेल्फ क्रिएटेड होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा से हमारे ब्रेन के 150 बीटा सेल्स और सीक्वेंसेस हैं वन साइड वर्क करते हैं, तो ये सिचुएशन होगी। आप थोड़ा वातवर्धक चीजों को अवॉइड करिए, जैसे अरहर की दाल, चने की दाल, फूल गोभी, बैगन, है ना, और थोड़ा पेशेंसफुल लाइफ जिए, और हमारे यहाँ से आप दवा मंगवा लीजिए, 110% आपको इससे मुक्ति मिलेगी। या हाइपर एसिडिटी है, ठीक है जी, सेल्फ क्रिएटेड है, थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे तो आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, कल्याण वस्तु। बिल्कुल, तो राजेश जी ध्यान दीजिएगा आप, और शो के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, डिटेल्स आप ले सकते हैं, दवा आप मंगवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बताया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल जी जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी 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 जी, बताइए क्या समस्या है आपकी। मेरे को शुगर है 6 साल से। हाँ जी,
हाँ जी, मैं इसका इलाज पूछना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं या रहेगी जिंदगी भरी? सुरेंद्र जी, आप ये बता सकते हैं मुझे कि आपका जो शुगर टाइप 1 है या टाइप 2 है? मेरे को टाइप 2 है सर। ओके, पीपी कितना है और फास्टिंग कितना है? जी, मेरा पीपी, मैंने फास्टिंग, मेरा जो खाने के बाद मैंने नपवाया था जी, मेरा ये हुआ था जी 264 कल का। ओके, अभी आप कौन सी दवा ले रहे हैं? मैं जी ये देसी दवा ले रहा हूँ, जैसे एक तो बसंत कुसुमाकर जी, ठीक है जी, एक बसंत कुसुमाकर और ये एक देसी फाकी है, और कभी कभी मैं इसका ये मधुमेहारी दाना ले लेता हूँ। ओके ओके ओके, सुरेंद्र जी मैं आपको बता दूं, ये जो दवाई आपको दी गई है टेम्परेरी रिलीवर है, और वर्ल्ड में जितने भी डॉक्टर्स आज प्रोमिस कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से टेबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन में इंसुलिन देते हैं, और जब हमारा पेनक्रियाज डिस्टर्ब होता है तो शुगर होता है, और ये सबसे ज्यादा हमारी यवन शक्ति को छीन करता है। ठीक है जी, तो आप एक काम करिएगा, हमारे यहाँ से दवा मंगवा लीजिए, या हमारा जो एड्रेस चल रहा है इस पर 20 तारीख के बाद आकर के पर्सनली मिल लीजिएगा। 12 महीने तक की मेरी दवा है, आपको भविष्य में कभी किसी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं होगा तो आपका 110% मनी बैक गारंटी देंगे। लेकिन प्लीज मेरा ये निवेदन है कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, एक तो टेंशन फ्री रहिए, दूसरा यह है कि समय से खाना, समय से सोना, ठीक है, और बाकी चीजें मैं अभी समय का अभाव है, जब आप पर्सनल मिलेंगे तो आधे से ज्यादा जितने आपको दवा लेकर के निदान मिल रहा है उतना मैं खाली आपको प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट पुश करके आपका उतना पॉइंट शुगर कम कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लॉर्ड स्वामी जी, अक्सर कहा जाता है कि एक डॉक्टर और एक वकील से हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। किसी भी तरह की आपको अगर समस्या हो, या आप सार्वजनिक तौर पर उस प्रॉब्लम को, समस्या को आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आप शो के बाद जरूर कॉल कीजिए और पर्सनल मिलिए। बिल्कुल, और पर्सनल आप मिलिए, अपनी पूरी डिटेल। गुड़गांव में मेरा सेंटर है, कोई दिक्कत भी नहीं जी। बिल्कुल, हमारा पता भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस एड्रेस पर आइए जरूर, अपनी कोई भी समस्या आपकी है पूरी डिटेल्स, पूरी रिपोर्ट आप सामने रखिए, उसका इलाज 100% आपको फायदा पहुंचेगा, इस बात का दावा स्वामी जी अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए कर रहे हैं। तो आप जरूर कॉल कीजिए शो के बाद अगर आप करना चाहें, और हाँ विश्वास रखिए, विश्वास पर भी पूरी दुनिया कायम है जी, बिल्कुल, और अगर आप विश्वास रखेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा, जरूर आपको फायदा पहुंचेगा। अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे जी, स्वामी जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं जितेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। जितेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हम सऊदी अरबिया से बोल रहे हैं जी। बोलिए जी, बताइए प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है कि मेरे चेहरे पे पूरा काला काला धब्बा आ जाता है जी। जी पूरा वाइट वाइट काला काला धब्बा है पूरे चेहरे पे। जितेंद्र जी आप काम क्या करते हैं? राम जी मैं इधर सेफ्टी ऑफिसर में काम करता हूँ। ओके, ये रक्त विकार है, आप जहाँ तक है ना नमक को अवॉइड करिए, साल्ट इज पॉइजन, स्क्रीन डिजीज प्रॉब्लम्स है ना, वात वर्धक चीजों को अवॉइड करिए, और थोड़ा सा आपको आहार विहार के लिए, जैसे सऊदी में रहते हैं तो आपके डस्ट एलर्जी टाइप की चीज है ना, तो इसके लिए आपको हमारे यहाँ से दवा मंगवाना ही पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे क्लाइमेट के बारे में, अनीता जी आपको एक चीज ध्यान से बता दें कि आयुर्वेद में तुलसी अमृत होती है जी, लेकिन वही तुलसी आप दिल्ली में खाइए और वही तुलसी महाराष्ट्र में खाइए, दोनों के अनुभव और दोनों के रिजल्ट में डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें क्लाइमेट पे और प्रकृति पे निर्भर होती है। तो जितेंद्र जी आप एड्रेस नोट करवाइए और एक आपको दवाइयां भिजवाता हूं मैं, तब तक आप एक काम करिएगा, सरसों का तेल गरम करिए, उसमें 10 लहसुन डाल करके बॉयल करिए, उसको स्क्रीन पे लगाए करिए, आपको तुरंत ही नियंत्रण मिल जाएगा। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलेंगे स्वामी जी। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। क्या आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हाँ जी जी, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैं नवीन पटेल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी बताइए नवीन जी। अच्छा, हार्ट ब्लॉकेज के लिए है कोई? नवीन भाई, नवीन भाई बोलो, तमे एवी रीते है ना, घबरवानू नथी, तमे कहो हार्ड मा हूँ चेक, हार्ड मा NH3 NH4 कौन सी नचो चोकअप छे ने केटला परसेंट चोकअप छे, तमे कहो, बद्दी थई जशे, एमा काई टेंशन नथी। नवीन भाई जी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका NH4 NH3 NH1 कितना परसेंट चोकअप है आप बताइए, निदान हो जाएगा। नहीं वो तो कितना ब्लॉकेज हो तो हमें अजीब अभी पता नहीं चला है, लेकिन ब्लॉकेज है 110% बिना किसी सर्जरी के, बिना बाईपास के, बिना ECG के,
मैं आपको 110% उसका निदान दूंगा। ओके जी जी जी, जी आप सो के बाद मेरे यहाँ से फोन करके अपनी मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। कहाँ तक दवा लेनी पड़ती है जी? अभी है यही कोई 8 से 7 महीना। चलिए नवीन जी, तो आप शो के बाद कॉल कीजिएगा, दवा मंगाइए, और शो के दौरान जो नंबर चल रहे लगातार स्क्रीन पर, और साथ ही साथ जो एड्रेस चल रहा है लगातार, उस एड्रेस पर आप कांटेक्ट कीजिए, दवाई मंगवाइए। और हाँ, जैसे कि स्वामी जी लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से बोल रहे हैं कि दवा लेने से पहले आप रिपोर्ट कीजिए, कोर्स पूरा कीजिए, 100% आपको फायदा, आपको लाभ इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर की से बात करेंगे। स्वामी जी जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो स्वामी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हम संधिवात पर आज बात कर रहे हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे जान सकते हैं? संधिवात का पहला लक्षण, जैसे ज्वाइंट्स हैं, जितने ज्वाइंट्स हैं उन पे पहले पेन आना लगेगा, आपको गैस ज्यादा बढ़ेगा, खाने के बाद पेट फूल जाएगा, ज्वाइंट्स में प्रिकिंग पेन होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे दर्द है ना, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों का आईना है भी, प्रीकिंग पेन है, टीयर बेटिंग पेन है, हंगर पेन है, कौन सा पेन हो रहा है जी, तो इस तरीके से लक्षण आने लगते हैं। ज्वाइंट्स में जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आदमी झुक करके यल बन जाता है, इसके लिए उसको जैसे ही थोड़ा सा भी नजर आए उसको तुरंत दवा लेना चाहिए। कुछ नहीं तो घरेलू नुस्खे का प्रयोग ही क्यों ना करें, पर उसको अवॉइड ना करें जी, क्योंकि आजकल आधुनिक युग में है ना, जरा सा सुंदरता के उसमें कहीं ना कहीं भोग का योग बन जाता है और पता नहीं लगता कितना भयानक रोग लग जाता है। बिल्कुल, इसलिए संधिवात मतलब जोड़ों से रिलेटेड है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कई बार आपके यहाँ मैं पहली बार शो चला रहा हूँ तो काफी जो हमारे दर्शक है, हमारे रोगी, वो भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक फीमेल है तो उनको इतने कि घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, इसका मतलब कि संधिवात है, बट ऐसा नहीं। अगर किसी फीमेल को लिकोरिया है, बोन टाइफाइड है, हाइपर डिप्रेशन है, हार्मोन्स है, तो भी ये सारी प्रक्रियाएं होती है। अगर आपको मेडिकली आर्थराइटिस है तो मेरी दवा 110% आपको रिजल्ट देगी जी, लेकिन अगर आपको और दूसरी बीमारियां हैं तो उसके लिए हमारी फार्मेसी से एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन मेडिसिन लेना पड़ेगा, साथ में उनको सहयोग देना पड़ेगा कि भाई हमें क्या खाना है, नहीं खाना है, समय से दवा खाना चाहिए, ये चीजें होती हैं। चलिए स्वामी जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ नमस्कार, रेपेंद्र बोल रहे हैं हम दिल्ली से जी, बताइए। हम मैडम से ये पूछना चाह रहे हैं, हमें कानों की प्रॉब्लम है जी। हाँ, हमको कानों की प्रॉब्लम है, पिछले 14-15 साल से एक कान कम सुनाई देता है, दूसरा कान बहता है, उसमें पर्दे में छेद बताया है डॉक्टर ने, और कानों में आवाज चलती रहती है और गैस की प्रॉब्लम है। आप चिंता मत करिए जयचंद जी, आप मुझसे पर्सनली मिलिए, क्योंकि यहाँ समय का अभाव, मैं इतना ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। बाकी इतने जानिएगा कि वात, पित्त और कफ और विकार, ये चार चीजों पे डिपेंड होती है। आप हमारे एड्रेस पर आइएगा 20 तारीख के बाद, मैं बैठ करके आपको पूरा समझाऊंगा और 110% आपको निदान करूंगा। कोई ऑपरेशन, कोई रिपोर्ट, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जैसे मैं बोलूंगा उस तरीके से आप मेरी दवाओं को लेना, आहार विहार और शयन पे नियंत्रण रखना, ठीक है जी? जी बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा स्वामी जी की बातों पर। स्वामी जी, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी और मे भी दर्शकों के जहन में भी ये सवाल चल रहा होगा। सवाल ये कि जैसे कि आप हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बता रहे हैं, ऐसे हजारों कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दे रही हैं हर तरह के इलाज के लिए, लाइलाज भी वो करवा रही हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जो हमारे व्यूअर्स इस कार्यक्रम को, इस शो को देख रहे हैं, वो कैसे इस बात पर विश्वास करें कि उनकी मेडिसिन्स या उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ज्यादा इफेक्टिव आपकी मेडिसिन्स होंगी उनके इलाज की, उनकी बीमारी के? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि कई बार आदमी ना, किसी ने दवा खाया तो किसी ने पैसा लगाया, किसी ने रिजल्ट नहीं पाया, किसी ने हर जगह धोखा गया। बिल्कुल, तो मैं उनके साथ हूँ इस विषय में। हो क्या रहा है आज के टाइम, हमारी भारतीय संस्कृति की जो पद्धति है वो शास्त्रोक्त पद्धति है। आजकल कैप्सूल बनाना, ये बनाना, अट्रैक्शन करना लोगों को, तो उसकी जो शुद्ध सात्विक शक्ति वो छीन हो जाती है। ऐसे दर्शकों का ये विषय नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देना मेरी तरफ, मैं समझाना चाहूंगा जी। मान लीजिए कि हम एक ब्राह्मी पाउडर को ले रहे हैं, ब्राह्मी पाउडर को हमने पल्वराइजर में डाला, फिर मिक्सिंग किया, फिर मिक्सिंग किया, फिर नीचे डाला, तो बर्निंग हुआ। बर्निंग होने से मेरी उसकी एनर्जी लॉस हो गई, हमारी पैकिंग जितनी कि हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं जी, और उससे उसकी छीन हो गई। इसलिए उसको शास्त्रोक्त पद्धति से ही अगर हम बनाना जानते हैं, एक हर्रा है, हर्रा आप घर में गर्म करके गर्म पानी से लें
और उसको गोमूत्र से शुद्ध करके लें, दोनों में बड़ा डिफरेंट है जी। तो मैं जे मुझसे ज्यादा शास्त्रोक्त पद्धति से शुद्ध किए हुए मेरे प्रोजेक्ट पर, क्योंकि मैं 100% शुद्धता से बनाता हूँ, कोई मिक्सिंग नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल विषय से हट करके बोलूंगा, जैसे हमारी हल्दी का भी काम है, हमारा फूड प्रोडक्ट भी है जी। नॉर्मली आपको बताऊंगा कि मेरे घर में हल्दी, मैं रियल बोलता हूँ, मैं नागा बाबू, मेरे यहाँ 180 रुपए में हल्दी कंप्लीट खेत में से लाके तैयार होके बन रही है जी। लेकिन लोग 40 रुपए में 200 ग्राम बेच रहे हैं, तो करते क्या है कि 3 क्विंटल हल्दी में 100 किलो बेसन मिला दिया, यानी 200 रुपया उसको बेच रहे हैं। तो हमारी शुद्धता है, इसलिए हमें अपने से ज्यादा शुद्धता पे गारंटी है, क्योंकि आयुर्वेद ही आयु को बढ़ा सकता है। अगर मैं उसमें मिक्सिंग करता हूँ, क्योंकि हमारी दवा कड़वी होती है, हमारी दवा रिजल्ट देती है, लेकिन मैं भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें मिश्री डालकर मीठा कर दूंगा, तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी और रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम पूर्ण रूप से शुद्धता से कार्य करते हैं, इसलिए हमें चैलेंज देने की आदत बन गई है। बिल्कुल, तो बहुत दावे के साथ स्वामी जी कह रहे हैं कि 120% लाभ दर्शकों को मिलेगा, और भरोसा है खुद द्वारा निर्मित की गई तमाम मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, उन पर आप विश्वास कीजिए। आप जरूर एक बार अपनी किसी भी प्रकार की कैसी समस्या आपको हो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए, शो के बाद डिटेल्स आप अपनी दीजिए, और जो भी दवाई आप अपनी बीमारी के लिए मंगवाना चाहते हैं उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलेंगे स्वामी जी। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। सर बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? भावनगर से बोल रहा हूँ, गुजरात से। जी बोलिए। राम राम स्वामी जी। हाँ बोलो बोलो साहब। दिनेश सर बोल रहा हूँ मैं। जी ठीक है, सवाल हाँ जी बोलिए, सवाल कीजिए। सर मुझे मेरे किडनी की तकलीफ है। अच्छा, वो जो मेरा क्रिएटिन है ना, वो 1 पॉइंट आता है। ओके, तो आपका क्रिएटिन, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहा हूँ। हाँ जी, तो उसके लिए मुझे दवाई की जानना था आपके। देखिए आपका ये SR कितना है, हेमोग्लोबिन लेवल कितना है, क्रिएटिन कितना है, सारी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। और अगर आप हफ्ते में 3 दिन डायग्नोसिस करते हैं, तो 3 दिन बाद डायग्नोसिस करते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, लास्ट में किडनी ट्रांसपेरेंट करने की बात करेंगे, उसके बाद सिपला हो जाता है। तो आप एक काम करिए, मुझसे बायफेस आकर के मिलिए, बिना किसी उसके आपकी डायग्नोसिस बंद हो जाएगी। और एक चीज आप, मैं यहाँ से बैठ के WHO के और सारे लोगों को बता दूं कि आयुर्वेद में कभी किडनी फेल ही नहीं होती है। आयुर्वेद ये कहता है कि कभी किडनी फेल होती ही नहीं है, सिर्फ उसकी प्रक्रियाओं को जनरेट करना होता है। और ये भाई जी के माध्यम से और भी जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर मेरे पास आते हैं तो किडनी चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो हफ्ता डेली डेली कर रहा होगा ना डायग्नोसिस, रोज नहीं डेली कर रहा होगा, तो भी उसको बिना किडनी ट्रांसप्लांट के 6 महीने के अंदर उसको रेडी करके मेरा चैलेंज है जी। चलिए बिल्कुल, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, और दावा भी लगातार स्वामी जी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि मकसद ये है कि आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज आपको बता सकें, और 100% आपको उसका लाभ, उसका फायदा पहुंचेगा। तो आपको किस प्रकार से ये मेडिसिन मंगवानी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगवानी है, इसकी डिटेल आप शो के बाद कॉल कर ले सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलेंगे जी, स्वामी बिल्कुल, चलिए। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए। जी जयदीप। जी जयदीप। जयदीप कहाँ से बोल रहे हैं आप? सोनीपत से। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। जी, जी। स्वामी जी, जो जिस संधिवात की हम बात कर रहे हैं, अक्सर आम तौर पर हम ये देखते हैं कि ये बुजुर्गों पे ये इस तरह की बीमारी ज्यादा होती है, लेकिन क्या जिस तरीके से लोगों के मन में ये चीज है कि मोटापा अगर हो गया, इंजरी किसी तरह की हो गई, या एज हमारी बढ़ रही है, तो इस तरह की बीमारी हमें होती है? या फिर हम तो देख रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, खान पान अगर हमारा ठीक नहीं है, या हम सही से अपना रूटीन को नहीं चला रहे हैं, उस वजह से ये चीजें होती हैं। देखिए मैं आज आपको एक बात बता दूं कि आज के समय में एज का कुछ भी मायने ही नहीं रह गया है। जैसे पहले 45 या 35 के बाद आदमी को शुगर, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की चीजें आती थी, लेकिन आज 10 साल के बच्चे में भी डायबिटीज टाइप 2 टाइप 1 पाया जाने लगा है। और आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ समय के बाद माताओं के स्तन के दूध में भी पॉइजन मिलेगा, क्योंकि हम नेचुरल कुछ खा ही नहीं रहे। बिल्कुल। हमारे बच्चे को, आज छोटा बच्चा है मान लीजिए, और छोटा बच्चा सो रहा है, हम उसको क्या करते हैं, एप्टोन देते हैं।
एप्टोन में क्या है, नशे की चीज है, तो बड़ा होकर के वो ड्रिंकर ही बनेगा। बिल्कुल। ऐसे हम जो चीज खा रहे हैं, हमें शुद्ध सात्विक हरी सब्जियां सारी चीजों को खाना चाहिए। और इस बीमारी की शुरुआत अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो माँ के पेट में जब बच्चा रहता है ना, तब से शुरू हो जाती है जी। इसी को हम अनुवांशिक बीमारियां कह सकते हैं। मान लीजिए पति और पत्नी दोनों फ्रस्ट्रेशन में है प्रेग्नेंट के टाइम पे जी। माँ चार चार दिन उपवास कर रही, कुछ खा नहीं रही, और खा रही तो तीखा चटपटा खा रही, तो बच्चा पैदा हुआ तभी से आर्थराइटिस हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर स्वामी जी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ये भूल जाते हैं, हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक जहां ये भी बताता है कि आपको कसरत भी करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, फिजिकल वर्क कुछ रही नहीं गया, सिर्फ खाना और सोना रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों एक बार फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, क्योंकि आज से हम इस नए कार्यक्रम को केवल आप ही के लिए लेकर आए हैं दर्शकों, इसी मकसद के साथ ताकि आपकी किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी हो उससे इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी आपको निजात दिला सके अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू। शो के बाद भी दर्शकों आप कॉल कर सकते हैं, जिन कॉलर्स का हम कॉल इस शो में नहीं ले पाए हों वो निराश ना हो, वो शो के बाद हमें कॉल कीजिए और आप किसी भी प्रकार की डिटेल्स आप शो के बाद ले सकते हैं। तो स्वामी जी जो भी ज्ञान आज आपने हम सबको दिया है और हमें इस विषय के बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी। जी जी धन्यवाद, सदा ऐसे ही कल्याण में कार्य करते रहेंगे। और इसी के साथ दर्शकों आप सभी से हम लेना चाहेंगे विदा, हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार।